रात में 4-5 अज्ञात लोग आकर के मारे पीटे ड्राइवर को, मुंह बांधे हुए थे और चैन वैन छीन लिए। और एक भाई है इसका, इसका चारों आदमी गमछा पहने थे, जो लाठी चला रहा था उसका गमछा खुल गया। अभी 10 बजे ट्रेन आए, 11 बजे ट्रेन आए, जान रुक करके हम लोग सेवा देते हैं। और हम ही यहाँ से बिहटा तक रात को भी कोई भी यात्री फंस जाता है। क्या 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 जी, कुछ लोग देखे हुए हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अच्छा, प्रशासन लोग के द्वारा किस तरह क्या सहयोग मिला? लोग यूनिटी बनाए रखिए, जितने भी ऑटो ड्राइवर वाले हैं, और जब से यूनिटी नहीं बनाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर अमित कुमार, सन ऑफ फार्मर, और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। और आप सभी को परसुमित लाइव न्यूज में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पीरो नगर परिषद पीरो अनुमंडल में, और यहां पर देख रहे हैं कि जो कि ये जो कि हाईवे है, जो कि ओवरब्रिज जो कि पीरो में जो बना हुआ है, इसके समीप ही जो कि रात के समय में, जो कि सुबह का समय था, जिसमें गाड़ी में लोग बैठे हुए थे, लेकिन उन लोगों का जो बहुत सारे जो सामान है चोरों उचक्कों द्वारा छीन लिया गया है। आइए हम जानते हैं क्या क्या उन लोगों किस तरह से घटना को अंजाम दिया है यहाँ पर पीरो नगर परिषद में। क्या नाम है भी आपका? जी सर, मेरा नाम MD सरफराज मासूम। कहाँ से हैं आप? जी, घर मेरा सिगराटा कला हुआ। सिगराटा कला हुआ है। अच्छा, किस तरह से कब घटना हुआ यहाँ? हम लोग यहाँ सर सुबह से लेकर के शाम तक जो ट्रेन आती है उसमें हम लोग सेवा देते हैं। तो सर कल रात में जो ट्रेन आई वहाँ से हम लोग पैसेंजर लेकर के चले, तो यहाँ रास्ते में एक कटिंग है। पहली चीज की 10,000 पब्लिक पर डे यात्रा करता है, रोड का कोई सुविधा नहीं है, रोड सही नहीं है, फिर भी हम लोग किसी तरह सेवा कर रहे हैं। यहाँ रोड के लिए हम आवाज उठाए थे एक बार अभी। जी सर, और रात में 4-5 अज्ञात लोग आकर के मारे पीटे ड्राइवर को, मुंह बांधे हुए थे और चैन वैन छीन लिए। और एक भाई है इसका, छीन लिया सब, हमारा भी था, 10-20 लोग को मारा। लोग हम लोग इसी मकसद से जाम किए हैं कि हम लोग को प्रशासन द्वारा हो कानूनी पार कर रिया। और उन लोगों को देखे हैं आप लोग? जी, कुछ लोग देखे हुए हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। प्रशासन लोग के द्वारा किस तरह क्या सहयोग मिला? प्रशासन सर अभी बोले हैं कि आप लोग चलिए, आवेदन दीजिए, आगे कार्रवाई हम करेंगे। जी, आवेदन हम लोग का बहुत दिक्कत है सर। अच्छा, जैसे कि आप लोग जॉब करते हैं रेलवे में? नहीं सर, हम लोग ऑटो ड्राइवर हैं, सब ऑटो ड्राइवर हैं। अच्छा, रात के समय भी आप लोग जागे हुए थे लेकिन अपना सेवा दे रहे थे? रात को भी 10 बजे ट्रेन आए, 11 बजे ट्रेन आए, जान रुक करके हम लोग सेवा देते हैं सर। और हम ही यहाँ से बिहटा तक रात को भी कोई भी यात्री फंस जाता है। क्या 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 छीना गया है पहले ही बताइएगा। कुछ लोग का चैन छीना गया है, कुछ पैसा छीना गया है, लेडीज जो बैठी हुई थी उन लोगों का सामान छीना गया, उनके कॉलर में हाथ लगा दिया सब लेडीज लोग को। ये सब यहाँ पे उदंडता से बहुत सारा ये हुआ है, जिसके लिए हम लोग बहुत दुखित हैं। आप लोग पहचान सकते हैं ना? जी सर, आप लोग इसका चारों आदमी गमछा पहने थे, जो लाठी चला रहा था उसका गमछा खुल गया था। उसका नाम नाम नहीं पता है, नाम नहीं जाके प्रशासन से आप लोग बोली है ना प्रशासन हेल्प करने के लिए? जी, आप लोगों के साथ प्रशासन खड़ी है। प्रशासन रेलवे अधिकारी कोई सपोर्ट नहीं किया, वहाँ हम लोग गाड़ी खड़ा किए थे तो रंगदारी से पैसा भी तसीला गया। 20-20 रुपया पर टिप पे हम लोग देते हैं, जो कि 4 टिप चलते हैं तो 80 रुपया दिन का हम लोग का देना पड़ जाता है, जबकि आरा महानगर निगम में 3500 रुपया एंट्री फीस है। इसके बाद आप पूरा दिन गाड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे हमेशा 20 रुपया देना पड़ रहा है। अब बोलने के बाद वो लोग विरोध भी कर रहे हैं कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों? इसके लिए आप लोग यूनिटी बनाए रखिए, जितने भी ऑटो ड्राइवर वाले हैं, और जब से यूनिटी नहीं बनाइएगा तो आप लोग यूनिटी कोई भी चीज बनाइए, आवेदन दीजिए हर जगह। रंगदारी जाता है, सबसे बड़ी बात ये है, रंगदारी गाली भी देता है सर। तो आप लोग इसके बाद आप लोग छीना गया है, आप लोग इसका आवेदन दीजिए पुलिस प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन आप लोगों की कार्रवाई करेगी जो भी होगा। आप लोग जानते हैं कि कौन कौन लोग थे, वे लोग नाम दीजिए प्रशासन के द्वारा, प्रशासन कार्रवाई करेगा। सर रंगदारी ली जाती है? जी सर, और कोई नहीं। और क्या आप लोग कहना चाह रहे हैं? कहना हम लोग यही चाह रहे हैं कि सर ये रोड का जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, इसको सही करवाया। छीना गया आप लोगों का सामान? जी, और जो चीज सामान छीना गया है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए और कोशिश किया जाए कि हम लोग का सामान मिल जाए तो बेहतर है, नहीं भी मिले तो भविष्य में ऐसा कोई दिक्कत किसी के साथ और ना हो, यही हम लोग चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए भैया लोगों का कहना है जो कि हमेशा रात और दिन एक करके जितने भी ट्रेन से लोग यात्रा करते हैं वे लोग उतरते हैं यहाँ से, लगभग पीरो
मेट्रो स्टेशन पर लगभग 10 से 15 हज़ार यात्री यहाँ पर आते हैं और सफ़र करते हैं, यहाँ पर दूर दराज गाँव में जाते हैं। लेकिन इस तरह का अगर यहाँ पर घटना होगा तो किस तरह से वे लोग सेवा देंगे, 12 बजे रात में 2 बजे रात में किस तरह से वे लोग आएंगे यहाँ पर। और प्रशासन लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इसका कार्रवाई कीजिए। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं, तो उन लोगों को पहचान कीजिए और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई किया जाए। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इन लोगों के जितने भी सामान छीना गया है इन लोगों का सामान मिल जाए और जो जो यहाँ पर जो दोषी है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए, ताकि उन लोगों का आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं का अंजाम ना दे सके। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सोना फार्मर, कैमरामैन रतन कुमार के साथ परसों मित लाइव न्यूज। थैंक यू, जय हिंद।